वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पबजी लवर्स ऑर्गेनाइज बाय हाईजेक गेमर्स में। जी हाँ, ये है एच जी प्रीमियर लीग मैच नंबर 32 डे 17। विकेंडी के मैप में खेला जा रहा है। यहाँ पे मैच नंबर 32 ऑफ एच जी प्रीमियर लीग 720p HD में की जा रही है यहाँ पे स्ट्रीमिंग, और मैं हूँ डेविल कॉमेंट्री में आप सब लोगों के लिए हाजिर। लेके चलूँगा आज के रजिस्टर्ड स्क्वाड्स की तरफ। यहाँ पर टॉप 16 जो रैंकिंग लिस्ट में, उनके लिए स्लॉट रिजर्व, बाकी 7 स्लॉट्स के लिए रजिस्ट्रेशन लिए जा रहे हैं। बाकी जो पूरे टीम्स आज प्रेजेंट हैं उनके नाम लूंगा यहाँ पे। टीम असुर, इंडियन XQF, SOS इलाइट्स, लॉर्ड आर्मी, ब्रातवा, OP बॉट, अल्टीमेट शूटर्स, बैड एस, फिनिक्स, नाइट राइडर्स, इंदौर वाले, फ्रैगर ऑफिशियल, मास्टर आई, फ्लाइंग किक, GTX, TGL, जल्लाद, फिनिक्स 2.0, NXT, फ्यूरी और टीम बीस्ट। जी हाँ, यहाँ पे पूरी तरीके से सारी टीमें मौजूद, तो किसी के पॉइंट डिडक्ट नहीं किए जाएंगे यहाँ पे रैंकिंग लिस्ट के पॉइंट टेबल से। लाइव स्ट्रीम में प्रॉपर डिले रखा गया और मैक्सिमम पॉसिबल डिले रखा गया है, तो स्ट्रीम स्नाइपिंग या किसी भी तरीके से किसी भी प्लेयर के लोकेशन एक्सपोज होने के कोई चांसेस नहीं। हमारी तरफ से पूरा फेयर गेम प्ले श्योर्ड। तो यहाँ पे स्ट्रीम में डिले दिया गया, जैसा कि मैंने बताया था, उस वजह से लाइव स्ट्रीम में चैट की इंटरेक्शन स्लो हो जाएगी, मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं यहाँ पे हमारे और हमारे व्यूअर्स के बीच। क्योंकि जो भी मैं रिप्लाई दूंगा, जो भी आप पूछेंगे, जो भी यहाँ पे रिप्लाई जाएगा मेरी तरफ से, वो आपके पास 5 मिनट लेट पहुँचेगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में डिले है। तो प्लीज़ इसमें कॉपरेट करें, क्योंकि डिले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, फेयर गेम प्ले होना चाहिए यहाँ पे। बहुत ही जल्दी टीम फ्लाइंग किक की तरफ से फाइट की नोटिफिकेशन देखने मिल रही है, जो कि स्लॉट नंबर 18 पे है। उतरते के साथ यहाँ पे कुछ फाइट नोटिफिकेशन देखने मिली थी। यहाँ पे सामने स्लॉट नंबर 13 पे टीम फिनिक्स के प्लेयर्स को डैमेज किया हुआ, फायर करते हुए नॉक सिक्योर कर रहे हैं। पास में यहाँ पे टीम नाइट राइडर्स भी मौजूद है। टीम फिनिक्स के यहाँ पे दो प्लेयर्स वाइप हो चुके हैं, देन वाकर आंसू भी नॉक हैं, रोमियो यहाँ पे निकलते हुए, वेपन्स भी अभी नहीं आए थे, और बहुत ही जल्दी यहाँ पे अटैक हो गया टीम फिनिक्स पे। पास में यहाँ पे टीम नाइट राइडर्स और टीम फ्लाइंग किक मौजूद। टीम फ्लाइंग किक के प्लेयर्स ने अभी यहाँ पे वाइप किया टीम फिनिक्स के दो प्लेयर्स को, एक यहाँ पे फिलहाल नॉक। पास में यहाँ पे स्लॉट नंबर 14 पे टीम नाइट राइडर्स भी मौजूद है, फ्रैगर ऑफिशियल भी यहाँ से निकलती हुई चारों प्लेयर्स के साथ प्रेजेंट। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि लाइव स्ट्रीम में डीले है, जो कि बहुत ज़रूरी फेयर गेम प्ले के लिए, और गेम प्ले बिल्कुल ही फेयर होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे कॉपरेट करें। थोड़ा बहुत लेट रिस्पॉन्स जाएगा मेरा यहाँ पे, डीले है ब्रॉडकास्ट में, उस वजह से जब हम एक टीम से दूसरे टीम की ओर स्विच करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी पहले फाइट से पे फोकस कर लें, तो बाकी चीज़ें भी यहाँ पे आपको शो करेंगे। फ्रैगर ऑफिशियल यहाँ पे मौजूद सामने, शॉट नंबर 15 पे यहाँ पे टीम इंदौर वाले, और शॉट नंबर 16 यहाँ से फ्रैगर ऑफिशियल पास होती हुई। तो जब हम एक टीम से दूसरी टीम की ओर स्विच करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ रेंडर इशूज आते हैं, इनके लिए माफ़ी चाहूँगा। लॉकडाउन के बाद इनको जल्द से जल्द फिक्स करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी चीज़ें हमारे एक्सेस में नहीं, अच्छी चीज़ें एक्सेस में आती हैं, जल्द से जल्द इनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। कमेंट्री में अगर 4-5 सेकंड का साइलेंस आता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लॉकडाउन के बाद कोशिश करेंगे दो लोग मिलकर कमेंट्री करें, जिससे और भी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग कमेंट्री देखने मिल सकती है हमारे व्यूअर्स को। यहाँ पर स्लॉट नंबर 10 पे टीम अल्टीमेट के प्लेयर्स मौजूद। जिस भी टीम की आप रिक्वेस्ट करते हैं लाइव स्ट्रीम चैट में, हम उनकी तरफ ज़रूर लेकर चलेंगे। हम आपके लिए अभी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अगर कोई फाइट चल रही होगी उस समय, तो पहले फाइट पर फोकस रहेगा, क्योंकि फ़ाइट पहला प्रेफरेंस, जो लाइव स्ट्रीम का मोटो है यहाँ पे, और लीग का, कि यहाँ पे मिस्टेक्स ट्रेस कर सके हमारे प्लेयर्स और गेम प्ले इम्प्रूव कर सके, अपनी स्किल्स देख सके, तो पहले फ़ाइट पे ही फोकस रहेगा। लगातार फ़ाइट मूवमेंट्स आती रहेंगी, तो हम फाइट दिखाते रहेंगे। जैसे ही फ़ाइट मूवमेंट्स साइलेंट होंगी, वैसे ही हम तुरंत स्विच करेंगे जिस की भी रिक्वेस्ट आई होगी, जिस भी टीम को दिखाने की लाइव स्ट्रीम चैट में, उनकी तरफ। लेकिन उससे पहले जब तक फ़ाइट चल रही होगी, फोकस फ़ाइट पे होगा। जिस फ़ाइट की नोटिफिकेशन पहली आएगी, हम पहले वहाँ मूव करेंगे, उसको देखेंगे। अगर सेम टाइम पे कोई और फाइट की नोटिफिकेशन आती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मिस होगी, क्योंकि एक टाइम पे स्क्रीन को एक जगह ये फोकस रख पाना पॉसिबल। अगर मूवमेंट साइलेंट होते हैं उस फाइट के, जो पहले नोटिफिकेशन जिसकी आई थी, तो दूसरी फाइट की तरफ हम जरूर मूव करेंगे जल्द से जल्द। कोशिश हमारी रहेगी मैक्सिमम फाइट मूवमेंट्स कवर करने की, फिर भी अगर कुछ फाइट मूवमेंट्स मिस होते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे 23 टीम्स, 82 प्लेयर्स आर अलाइव एज यू ऑल कैन सी ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। या पास में स्लॉट नंबर 6 पे लॉर्ड आर्मी, और स्लॉट नंबर 4 पे यहाँ पे इंडियन XQF मौजूद। रैंकिंग लिस्ट में यहाँ पे सेकेंड नंबर पे चलती हुई इंडियन XQF, जो कि अभी स्लॉट नंबर 4 पे मौजूद है। स्लॉट नंबर 3 टीम असुर, रैंकिंग लिस्ट जो है जी प्रीमियर लीग का लेटेस्ट, उसके हिसाब से नंबर 1 पे चलती हुई अभी फिलहाल टीम असुर, अपने चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद। स्लॉट नंबर 3 पे खेलती हुई इंडिपेंडेंट विंग एंगल में आते हुए यहाँ पर
फिर से नज़र मैप की ओर डालना चाहूँगा। फर्स्ट फेज ऑफ प्ले जोन यहाँ पर चलता हुआ विकेंडे के इस वाइट टेक्सचर मैप में खेला जा रहा है आज का ये मैच नंबर 32 ऑफ एच जी प्रीमियर लीग डे 17। कुछ प्लेयर्स हैं जो कि रॉन्ग स्लॉट्स में आके स्लॉट डिस्टर्ब करते हैं, उनका नाम नोट कर लिया गया है। अगर वो दोबारा आएंगे तो वो अब अपने स्लॉट्स में भी नहीं खेल पाएंगे, ये वार्निंग है आखिरी। अगली बार से अगर आप लोग दूसरे के स्लॉट में आके डिस्टर्ब करते हो तो आपका नाम नोट कर लिया जाएगा और आप किसी भी स्लॉट में नहीं खेल पाओगे। आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा तभी पॉसिबल है, और हम कोशिश करेंगे करेक्टर आईडी भी नोट कर लें। बिल्कुल भी ये टॉलरेटेड नहीं है कि हमारी टीम को ज़रा सी भी परेशानी हो। स्लॉट डिस्टर्ब करते हैं कुछ प्लेयर्स तो उसकी वजह से बाकी टीमों को परेशानी होती है, और टीमों को परेशानी हो ये बिल्कुल भी हम टॉलरेट नहीं कर सकते। तो दिए गए अपने स्लॉट्स में आएँ, जो स्लॉट्स प्रोवाइड किए गए उसी में बैठें। दूसरे के स्लॉट्स में अगर आएंगे तो निश्चित ही किक किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर डिस्टर्ब करते हैं स्लॉट्स को। यहाँ पे एक प्लेयर वाइप हो चुका है टीम जल्लाद से, दो प्लेयर्स अभी मौजूद सामने टीम GTX। तो उसके बाद भी अगर डिस्टर्ब करते हैं तो ये आखिरी वार्निंग है। इसके बाद से जो है हमने नेम्स नोट करने हैं और परमानेंटली बैन करना है उन प्लेयर्स को, चाहे फिर वो किसी भी टीम से आएँ, किसी भी स्लॉट में आएँ, उनको खेलने नहीं दिया जाएगा अगर वो स्लॉट डिस्टर्ब करते हैं। आप हो सकता है इंसिडेंटली एक्सीडेंटली किसी दूसरे स्लॉट में आ जाओ, हम थोड़ी देर वेट करते हैं, आप निकल जाओ, हम ग्रुप पे ही मैसेज डालते हैं, लेकिन आप 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, फिर भी दूसरे के स्लॉट में बैठे हो, तो ये इंटेंशनली दिखता है कि आप इंटेंशनली स्लॉट डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ऐसे में आपका नाम नोट किया जाएगा और परमानेंटली किसी भी स्लॉट में आपको खेलने नहीं दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। तो इसका ध्यान रखें आगे से। यहाँ पर जल्लाद टीम जल्लाद पर भारी पड़ती नज़र आ रही है, टीम GTX वहाँ लेकर चलेंगे, स्लॉट नंबर 19 पर मौजूद है। सामने यहाँ पे दो प्लेयर्स वाइप कर दिए हैं टीम जल्लाद के, अकेले यमराज रह गए यहाँ से मूव करते हुए फिलहाल। सो 23 टीम्स एंड 79 प्लेयर्स आर लेफ्ट सर्वाइविंग ऑन द फील्ड एज यू ऑल कैन सी ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। जैसा कि आप स्क्रीन के टॉप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं, यहाँ पे 23 टीम्स और 79 प्लेयर्स अभी अलाइव। इंडिपेंडेंट व्यूइंग एंगल में आते हुए यहाँ पे टीम GTX मौजूद, फ्लेयर का इस्तेमाल। यहाँ पास में देखें स्लॉट नंबर 10 पे टीम अल्टीमेट मौजूद है, टीम किल्स 1 चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद टीम अल्टीमेट। स्लॉट नंबर 25 यहाँ पे टीम बीस्ट अपने चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद, मूव करती हुई यहाँ से। टीम TGL की तरफ देखें यहाँ पे तो एक प्लेयर जो है TGL जनरल वाइप हो चुके हैं, तीन प्लेयर्स अभी मौजूद टीम TGL से। स्लॉट नंबर 20 पे खेलती हुई टीम TGL, स्लॉट नंबर 23 टीम NXT से यहाँ पे एक ही प्लेयर मौजूद। स्लॉट नंबर 24 यहाँ पे टीम फ्यूरी, चारों प्लेयर्स मौजूद टीम फ्यूरी से। फिर से नजर मैप की ओर, फर्स्ट फेज ऑफ प्ले जोन इज स्टिल गोइंग ऑन, थोड़ी देर में यहाँ पर सेकेंड फेज स्टार्ट होगा प्ले जोन का। 23 टीम्स एंड 79 प्लेयर्स आर लेफ्ट एज यू ऑल कैन सी इन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पर नीचे स्लॉट नंबर 9 पे टीम बॉट मौजूद, मास्टर आई की रिक्वेस्ट आई है, यहाँ पर लुनाटिक की जरूर लेके चलेंगे आपको टीम मास्टर आई की तरफ। यहाँ पर स्लॉट नंबर 17 पे मौजूद है टीम मास्टर आई, टीम मास्टर आई के यहाँ पे तीन प्लेयर्स खेलते हुए आज स्क्वाड में, तीनों प्लेयर्स अभी अलाइव, मूव करते हुए फिलहाल यहाँ से। इंडिपेंडेंट व्यूइंग एंगल में आते हुए आसपास यहाँ देखे तो कोई दूसरी टीम फिलहाल इस लोकेशन पर नज़र नहीं आती हुई, यहाँ से मूव करते हुए मास्टर आई के प्लेयर्स। यहाँ पे टीम फ्लाइंग किक स्लॉट नंबर 18 पे अपने चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद टीम किल्स 1। यहाँ पे टीम TGL की तरफ से आई है फाइट की नोटिफिकेशन, वहाँ पर लेके चलेंगे, मूव करते हुए यहाँ पे TGL के प्लेयर्स। एड्रिनो की हेल्थ काफ़ी डाउन, यहाँ पर सार ब्लेज फ्लाइंग किक से यहाँ पे देखना होगा, जी नहीं, सार ब्लेज जो कि टीम TGL से हैं, यहाँ पे एक प्लेयर को व्हीकल से नॉक किया था और यहाँ पे नॉक हो चुके हैं।
शॉट नंबर 24 द्वारा एड्रिनो सार्ब्लेज को वाइप कर दिया गया यहाँ पे पूरी तरीके से। शॉट नंबर 24 जो कि टीम फ्यूरी, यहाँ पे एक प्लेयर इनके भी वाइप हुए थे लेकिन दो प्लेयर्स को वाइप किया यहाँ पे टीम टीजीएल के। तो टीम टीजीएल की तरफ देखें तो अकेले यहाँ पे डेविल रॉयल रह गए हैं। मूव करते हुए ब्लू जोन में रेट ऑफ फेल डैमेज कंसिडरेबल लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं, सर्कल की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर। इंडिपेंडेंट व्यूइंग एंगल में देखते हुए यहाँ आसपास फिलहाल कोई दूसरी टीम नज़र नहीं आती हुई। यहाँ पे स्लॉट नंबर 14 को देखते हुए टीम नाइट राइडर्स अपने चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद इंडिपेंडेंट व्यूइंग एंगल में आते हुए। यहाँ पे टीम फिनिक्स 2.0 की तरफ से फाइट की नोटिफिकेशन स्लॉट नंबर 22 पे मौजूद है फिनिक्स 2.0। सामने इनके दिखाई देती हुई यहाँ पे ऊपर स्लॉट नंबर 11 के प्लेयर्स, स्लॉट नंबर 11 जो कि टीम शूटर्स, यहाँ पे दो प्लेयर नॉक हो चुके हैं। वहाँ पर GTX और बैडास की भी फाइट चल रही है, वहाँ भी लेके चलेंगे तो ये फाइट ओवर होती है। यहाँ पे नॉक किया है फिनिक्स रोड के एक प्लेयर को सिवाय ने आगे बढ़ते हुए, और मॉकटेल और इसी के साथ यहाँ पे पूरी तरीके से वाइप हो चुकी है टीम शूटर्स। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वहाँ पर GTX की तरफ से फाइट नोटिफिकेशन से वहाँ भी लेके चलेंगे अभी आपको टीम GTX। यहाँ पर चारों प्लेयर्स अभी मौजूद एनर्जी ड्रिंक लेते हुए। यहाँ पर वहाँ पर टीम बैडास मौजूद, टीम फ्लाइंग किक, एक प्लेयर यहाँ पे वाइप हो चुके हैं। यहाँ टीम बॉट अंदर आते हुए फायरिंग करते हुए और काफ़ी डैमेज कर दिया है यहाँ पे टीम फ्लाइंग किक को। निश्चल यहाँ पे बाहर से फायर करते हुए टीम बॉट भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज इस फाइट में, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी शानदार फाइट बैक दिया है यहाँ पे, और पूरी तरीके से यहाँ पे वाइप कर दिया है टीम बॉट को टीम फ्लाइंग किक ने। दो प्लेयर्स ज़रूर वाइप होगा यहाँ पे टीम फ्लाइंग किक के भी। वहाँ पे इंडियन एक्स की एफ की तरफ लेके चलना चाहूँगा। यहाँ पे एक प्लेयर इनने भी वाइप किया था यहाँ पे, जी हाँ यमराज अकेले थे। टीम जल्लाद से पूरी तरीके से वाइप हो चुके हैं, टीम फ्यूरी की रिक्वेस्ट आई जरूर वहाँ भी लेके चलेंगे। सो यहाँ पे 20 टीम्स रह गई हैं, 20 टीम्स एंड 64 प्लेयर्स आर लेफ्ट ओनली एज यू ऑल कैन सी ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। टीम फ्यूरी की रिक्वेस्ट आई थी जरूर वहाँ पे मूव करेंगे, टीम बीस्ट की तरफ भी मूव करेंगे। टीम GTX चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद यहाँ पे टीम बीस्ट, टीम किल्स जीरो, चारों प्लेयर्स अभी अलाइव। थोड़ी दूर पे यहाँ पे स्लॉट नंबर 8 टीम OP दिखाई देती हुई, और स्लॉट नंबर 6 लॉर्ड आर्मी के प्लेयर्स यहाँ पास में मौजूद। फ्यूरी की भी रिक्वेस्ट आई थी यहाँ पे स्लॉट नंबर 24 पे मौजूद टीम फ्यूरी, एक प्लेयर यहाँ पे वाइप हो चुके हैं, तीन प्लेयर्स अभी भी अलाइव। यहाँ पे DS फर्स्ट ब्लड की रिक्वेस्ट आ रही है लेकिन DS फर्स्ट ब्लड रजिस्टर्ड नहीं है इस मैच के लिए। वहाँ पे चाहूँगा जो 7 स्लॉट्स रिमेनिंग रहते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन में DS फर्स्ट ब्लड का नाम नहीं था, तो फिलहाल एबसेंट DS फर्स्ट ब्लड नहीं खेलती हुई, रजिस्टर्ड नहीं हुई थी इस मैच के लिए। तो यहाँ पे 20 टीम्स एंड 64 प्लेयर्स आर लेफ्ट ओनली एज यू ऑल कैन सी इन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। अभी यहाँ पर सेकंड फेज ऑफ प्ले जोन चल रहा है, जैसा कि हमारे रेगुलर व्यूअर्स को पता है थर्ड और फोर्थ फेज जब स्टार्ट होगा प्ले जोन का, ऑलमोस्ट थर्ड फेज से या मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ फेज से तो गारंटीड दिवाली देखने मिलती है। आतिशबाजी होती है चारों ही तरफ से, कहीं भी कवर लेने की जगह नहीं होती, बहुत ही इंटेंस सिचुएशन हो जाता है, बहुत ही जल्द उन फाइट्स और उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे टीम्स। 20 टीम 64 प्लेयर्स, द डेटा इज स्टिल सेम। यहाँ पे लॉर्ड आर्मी की तरफ से फाइट की नोटिफिकेशन, EMC जेमिट यहाँ पे नॉक। थोड़ी दूर पे यहाँ पे टीम OP मौजूद है, वहाँ पे GTX ने बैडास पे भी अटैक किया, वहाँ भी लेके चलेंगे, एक प्लेयर को वाइप किया था, लेके चलेंगे टीम GTX और टीम बैडास की तरफ। यहाँ पे टीम बैडास तीन प्लेयर्स मौजूद, पास में इनके टीम GTX मौजूद।
GTX की तरफ देखे तो यहाँ पे उनके भी तीन ही प्लेयर्स रह गए फायर करते हुए टीम बैडर्स की तरफ। ब्लू जोन में है, यहाँ पे हेल्थ डैमेज हो रहा है कंटिन्यूसली इनका। जल्द से जल्द निकलना होगा यहाँ से, मूव करना होगा। यहाँ पे नॉक कर दिया है फयाज को टीम ट्रॉयजेड ओपी ने, और ब्लू जोन में तो शायद यहाँ पे रिवाइव होने के चांसेस नहीं। जी हाँ, प्लेयर्स भी आगे निकल चुके हैं तो वाइप होंगे यहाँ पे। यहाँ पे रिवॉल्डर ओपी के सपोर्टर टीम फ्यूरी दिखा दी थी मैंने लाइव स्ट्रीम में, डिले है तो आपके पास वो लेट पहुँचेगा, प्लीज़ कॉपरेट करें। रिस्पॉन्स यहाँ पे जो भी आप पूछते हो उसका रिप्लाई लेट ही पहुँचा है क्योंकि डिले ब्रॉडकास्ट में डिले है, यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में डिले है तो प्लीज़ कॉपरेट करें इसमें। चीटिंग अवॉइड करने के लिए यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में डिले रखा गया है, जिस वजह से आप जो भी पूछते हैं, जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे, वो आपके पास रिप्लाई उसका लेट जाएगा 5 मिनट, तो प्लीज़ इसमें कॉपरेट करें। टीम जी टी एक्स से दो ही प्लेयर्स रह गए यहाँ से मूव करते हुए, टीम बैरस से यहाँ पे तीन प्लेयर्स मौजूद। 20 टीम 61 प्लेयर्स टोटल सर्वाइविंग ऑन द फील्ड इन दिस मैप ऑफ विकेंडी। काफ़ी वाइड टेक्सचर्ड मैप है यहाँ पे, काफ़ी लोगों का पसंदीदा मैप विकेंडी। सेकेंड फेज ऑफ प्ले जोन यहाँ पे स्टिल चलता हुआ, काफ़ी डेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया कितना डेंस हो चुका है सर्कल के हिसाब से। यहाँ पे 61 प्लेयर्स, काफ़ी डेंस, पूरा सर्कल यहाँ पे भर चुका है प्लेयर्स से। अब वो समय आने वाला है जिसका इंतजार हमारे व्यूअर्स लगातार कर रहे हैं। यहाँ पे डेविल रॉयल को नॉक किया है फ्लाइंग किक के, वहाँ लेके चलेंगे। डेविल रॉयल जी नहीं, फ्लाइंग किक नहीं, डेविल रॉयल जो कि टीम TGL से अकेले बचे थे उनको पूरी तरीके से वाइप कर दिया गया है। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम टीम TGL। कुछ प्लेयर्स यहाँ पे काफ़ी सेम नेम है, सेम प्रेफिक्स और सफिक्स के साथ थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कभी कभी TGL और फ्लाइंग किक के बीच में। डेविल के नाम से कुछ प्लेयर उसमें भी, कुछ प्लेयर इसमें भी, और TGL के कुछ प्लेयर इसमें भी, कुछ प्लेयर उसमें भी कभी कभी देखने मिलते हैं। तो प्रेफिक्स और सफिक्स थोड़े बहुत सेम होने की वजह से कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है TGL और फ्लाइंग किक के बीच में। यहाँ टीम मेडस निकलती हुई यहाँ से ऊपर, यहाँ पे टीम अल्टीमेट मौजूद, और यहाँ पे पास में ही फ्लाइंग किक स्लॉट नंबर 18 दो प्लेयर्स के साथ यहाँ पे फाइटिंग करते हुए टीम बैडर्स के प्लेयर। टीम ट्राइजेडो पे कोई खास आउटपुट नहीं निकल चुकी है यहाँ से फिलहाल, टीम अल्टीमेट अभी भी फायर कर रहे हैं लेकिन फिलहाल यहाँ से निकल चुकी है सेफली। यहाँ दो अलग अलग हाउसेस में मौजूद टीम फ्लाइंग किक के दो प्लेयर्स, बैड बॉय और वहाँ पे डेविल निश्चल। तो यहाँ पे 19 टीम्स एंड 60 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव एज यू ऑल कैन सी ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। और यहाँ पे बहुत जल्द जो है वहाँ पे थर्ड फेज स्टार्ट होने वाला है प्ले जोन का, तो काफ़ी इंटेंस सिचुएशन होने वाला है। यहाँ पे टीम ओपी की तरफ लेके चलूँगा, फाइट की नोटिफिकेशन है टीम ओपी की तरफ से। सामने इनके स्लॉट नंबर 25 टीम बीस्ट मौजूद तीन प्लेयर्स के साथ, यहाँ पे टीम ओपी और सामने टीम बीस्ट के प्लेयर्स यहाँ पे आगे बढ़ते हुए। टीम ट्रॉयजेड ओपी ने वहाँ पे अलका मार्क को नॉक किया है, रिवॉल्टर की रिक्वेस्ट आई है उनकी तरफ भी लेके चलेंगे ज़रूर। यह मॉकटेल किया हुआ है टीम ओपी ने, कोई ख़ास आउटपुट नहीं फिलहाल। फायरिंग करते हुए टीम बीस्ट की तरफ, काफ़ी हेल्ड डाउन की थी एक प्लेयर की, आगे बढ़ते हुए और नॉक किया यहाँ पे टीम बीस्ट के एक प्लेयर को और सिक्योर किया अपने नॉक को। टीम ओपी के प्लेयर्स यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, टीम ओपी के भी एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक किया और अपने नॉक को सिक्योर किया। दो प्लेयर्स रह गए यहाँ पे मात्र टीम ओपी से, और सामने देखें टीम बीस्ट से भी दो ही प्लेयर्स रह गए। टीम फिनिक्स की तरफ भी लेके चलेंगे, शायद वाइप हो चुकी है या एक प्लेयर शायद बचे, जी हाँ एक प्लेयर्स बचे हैं टीम फिनिक्स की तरफ से, वहाँ भी लेके चलेंगे। फिलहाल फाइट पे फोकस, मॉकटेल का इस्तेमाल भी हुआ था यहाँ पे, एक और प्लेयर जो है वो नॉक है ओपी से, अकेले नॉक से यहाँ पे फाइट लेने की हालत में मौजूद टीम ओपी से। फ्रेगर ऑफिशियल भी यही पास में मौजूद चारों प्लेयर्स के साथ। टीम ट्राइजर ओपी ने सन्नी यूके को फिर से नॉक किया है, फिलहाल यहाँ पे फाइट मोमेंट थोड़े साइलेंट। फ्रैगर रिवॉल्टर की रिक्वेस्ट रहती है, जी हाँ यहाँ पे फ्रैगर रिवॉल्टर मौजूद, टीम किल जीरो चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद अभी। यहाँ टीम बीस्ट के प्लेयर्स यहाँ से निकलते हुए,
फायरिंग यहाँ पे टीम ओपी की तरफ से जी, इनकी गाड़ी यहाँ पे थोड़ी सी अटक गई थी लेकिन निकल चुके हैं फिलहाल यहाँ से। फायरिंग अभी भी जारी है और यहाँ पे एक और प्लेयर को नॉक किया है टीम बीस्ट के, टीम ट्राई जेड और पिनाज अग्वार एस रावत को नॉक किया है। एक प्लेयर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए फ्रैगर ऑफिशियल की तरफ और फायरिंग होती हुई, गाड़ी रोक दी है फिलहाल इनने यहाँ से उतरते हुए। सामने टीम फ्रैगर ऑफिशियल, टीम ट्राई जेड और लगातार शानदार परफॉर्मेंस, वहाँ पर अलका महक को भी नॉक किया है। हेल्थ फिलअप करते हुए यहाँ पे अकेले रह गए हैं टीम बीच से। इताची ने बैट बॉय को नॉक किया है टीम इंदौर वाले के। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मॉकटेल का भी इस्तेमाल, कोई खास आउटपुट नहीं। आगे बढ़ते हुए टीम बीच के प्लेयर फ्रैगर ऑफिशियल पूरी इनके ऊपर और यहाँ पे अच्छी फाइट दे रहे हैं। एक प्लेयर को नॉक भी किया है लेकिन पूरी तरीके से वाइप कर दी गई है टीम बेस्ट। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। टीम ओपी भी यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं पूरी तरीके से वाइप हो चुकी है। टीम फिनिक्स से अकेले प्लेयर रह गए हैं। अब लगातार फाइट की नोटिफिकेशन आ रही है, टीम असुर की तरफ से आई थी, वहाँ लेके आए आपको। टीम किल्स वन यहाँ पे इनके सामने स्लॉट नंबर 15 कुछ दूरी पे मौजूद है। बैराज मिस्टर खान ने अल्टीमेट बादशाह और जग्गौर एस रावत को वहाँ पे वाइप किया है, वहाँ भी लेके चलेंगे। टीम बैराज यहाँ पे मौजूद क्रेट्स लूटती हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं टीम अल्टीमेट जो कि स्लॉट नंबर 10 पे मौजूद थी पूरी तरीके से वाइप कर दी गई टीम बैराज द्वारा। यहाँ पास में ही टीम फ्लाइंग किक के दो प्लेयर्स अभी मौजूद, 16 टीम्स एंड 46 प्लेयर्स आर लेफ्ट ओनली। जो स्क्वाड्स यहाँ पे वाइप हो गए उनको बोलना चाहूँगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वीडियो को देखें, अपनी मिस्टेक्स ट्रेस करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि मिस्टेक्स जो है मिनिमाइज हो, दोबारा रिपीट ना हो। ऐसे निकलते हुए निश्चल, टीम ट्राइजरों पर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए फिलहाल यहाँ से निकल चुकी है टीम फ्लाइंग किक भी। टीम बैडर्स तीन प्लेयर्स मौजूद यहाँ फायरिंग कर रहे हैं लेकिन कोई खास आउटपुट नहीं, काफ़ी दूर निकल चुकी है। पास में स्लॉट नंबर 17 टीम मास्टर आज तीन प्लेयर्स के साथ मौजूद मूव करती हुई। प्ले जोन से डीजे डेविल यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे टीम नाइट राइडर्स से एक प्लेयर नॉक, फायरिंग एसओएस लाइट की तरफ से। पास में यहाँ पे टीम असुर भी मौजूद है, ऊपर टीम ब्रातवा से यहाँ पे चारों प्लेयर्स मौजूद स्लॉट नंबर 7 पे। सारी टीमें यहाँ पे पास आ चुकी हैं, फोर्थ फेज यहाँ पे ऑलमोस्ट चल रहा है प्ले जोन का, काफ़ी इंटेंस सिचुएशन। यहाँ पे एसओएस इलाइट्स मौजूद चारों प्लेयर्स के साथ, देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा डेंस एरिया, कितना ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन यहाँ पे होने वाला है, इसका अंदाज़ा हमारे व्यूअर्स लगा सकते हैं टीमों और उनके बीच का डिस्टेंस देख के। यहाँ काफ़ी पास आती हुई ब्रातवा, अभी यहाँ पे टीम फ्यूरी भी मौजूद है, शायद से टीम एनएक्सटी तो है ही। टीम फ्यूरी की अगर देखें शॉट नंबर 24 जी नहीं, पूरी तरीके से वाइप हो चुकी है। बटर लक नेक्स्ट टाइम। टीम एनएक्सटी से अकेले प्लेयर मौजूद है, फ्रैगर ऑफिशियल अभी मौजूद है, उनकी तरफ से फाइट की नोटिफिकेशन आ रही है। वहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे मास्टर आइज की तरफ फायर करते हुए और यहाँ पे टीम मास्टर आइज जो कि शॉट नंबर 17 पे मौजूद थी पूरी तरीके से वाइप कर दी गई है फ्रैगर ऑफिशियल द्वारा। बटर लक नेक्स्ट टाइम मास्टर आई। तो यहाँ पे 13 टीमें और 39 प्लेयर्स रह गए हैं। टीम बैडा से ही पास में मौजूद स्लॉट नंबर 18 यहाँ पे फ्लाइंग किक भी मौजूद इंडिपेंडेंट विंग एंगल में आते हुए। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नाइट राइडर स्लॉट नंबर 14 आगे बढ़ते हुए। इंडिपेंडेंट विंग एंगल में आते हुए यहाँ पे सारे स्क्वाड्स यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी पास में मौजूद। यहाँ पे टीम ब्रातवा पास आ चुकी है काफ़ी टीम असुर के। यहाँ फायरिंग जारी है ऊपर, इंडियन XQF वहाँ नीचे मौजूद। यहाँ स्लॉट नंबर 6 टीम लॉर्ड आर्मी आ चुकी है, पास में इनके टीम बैडास और टीम असुर काफ़ी ज़्यादा पास। वहाँ पे टीम GTX और टीम बैडास यहाँ पे आपस में भिड़ चुकी है मॉकटेल का इस्तेमाल, कोई खास आउटपुट नहीं, काफ़ी गलत एमिंग यहाँ पे टीम GTX द्वारा। लॉर्ड टाइफून ने वहाँ पे कल्ट बैड बॉय को नॉक किया है। लॉर्ड टाइफून और डेविल नेशल को इसी के साथ यहाँ पे फ्लाइंग की पूरी तरीके से वाइप हो चुकी है। यहाँ पे फायरिंग करते हुए इताची की तरफ नाइट राइडर्स के प्लेयर ब्रातवा TJTP इताची ने यहाँ पे संजय को नॉक किया है। इंडियन XQF भी यहाँ से फायर करते हुए लगातार, फ्लैगर ऑफिशियल के प्लेयर यहाँ पे
दो नॉक हो चुके हैं, एक वाइप हो चुके हैं, चारों तरफ से फाइट चलते हुए यहाँ पर सारी फाइट्स कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल, फिर भी हमारी कोशिश मैक्सिमम मूवमेंट्स यहाँ पर कवर कर सकें तो स्विच कर रहे हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी। यहाँ पर असुर गुरु नॉक सामने टीम असुर से, टीम नाइट राइडर्स से यहाँ पर एक प्लेयर वाइप संजय यहाँ पर नॉक, सुधीरा को भी यहाँ पर नॉक किया है, SOS एलाइट्स भी यहीं पास में मौजूद, ताची यहाँ पर आगे बढ़ते हुए पूरी तरीके से वाइप किया टीम नाइट राइडर्स को। SOS एलाइट्स यहाँ पर फायर करती हुई, आठ टीमें रह गई हैं मात्र यहाँ पे। अब यहाँ पे इंडियन XQF भी काफ़ी डैमेज्ड, एक प्लेयर नॉक, एक की हेल्थ काफ़ी डाउन, फायर करती हुई यहाँ पे टीम बैडास से तीन प्लेयर्स अभी भी मौजूद, एट टीम्स एंड 21 प्लेयर्स आर लेफ्ट ओनली एज यू ऑल कैन सी द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे इंडियन XQF की तरफ फिर से लेके चलेंगे अभी, यहाँ पे दो प्लेयर्स जो हैं वो नॉक, इंडियन एक्सक्यूज टीम ट्रेजर ओपी ने क्लियर ओमकार को भी नॉक किया है, तीन प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं। लॉर्ड एरेस अकेले यहाँ पे फाइट लेने की हालत में इंडियन XQF से, टीम बेटा से टीम ट्रेजर ओपी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्टार्ट से ही, काफ़ी शानदार गेम प्ले दिखने मिल रहा है, काफ़ी अच्छा स्नाइप भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियर ओमकार का नॉक सिक्योर किया, फ्रैगर ऑफिशियल के प्लेयर यहाँ पर आगे बढ़ते हुए प्रणीत को भी यहाँ पर सिक्योर किया है। सो आठ टीमें रह गई हैं मात्र यहाँ पर 19 प्लेयर्स सामने, यहाँ पे फ्लैगर ऑफिशियल, यहाँ पे लॉर्ड इलू के नॉक को भी सिक्योर किया, मात्र एरेस रह गए हैं इंडियन XQF से, टीम ट्रॉय जेड ओपी यहाँ पे वन मैन आर्मी की तरफ खेलते हुए, इताची आगे बढ़ते हुए नीचे फिनिक्स रोमियो अकेले टीम फिनिक्स के प्लेयर मौजूद है और इताची को नॉक किया था, लेकिन यहाँ पर इताची को पूरी तरीके से वाइप किया टीम असुर ने, बेटर लक नेक्स्ट टाइम में टीम फिनिक्स। यहाँ पर इताची को नॉक किया था लेकिन पूरी तरीके से वाइप किया यहाँ पर फिनिक्स रोमियो को, और अभी यहाँ पर रिवाइव देते हुए इताची को, 17 एंड 17 प्लेयर्स आर लेफ्ट ओनली। असुर गुरु यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नीचे टीम ब्रात्मा मौजूद है, अभी शॉट नंबर 23 टीम है नेक्स्ट से अकेले प्लेयर अभी वहाँ पे मौजूद अपनी टीम के लिए रैंकिंग पॉइंट्स अर्न करने की कोशिश करते हुए। असुर गुरु ने यहाँ पर ब्रात्मा आर एस को नॉक किया है, असुर गुरु यहाँ पर लगातार फायर करते हुए काफ़ी हेल्ड डाउन इनकी भी, फ्रैगर ऑफिशियल भी यहाँ पे मौजूद, लगातार फाइट नोटिफिकेशन सारी टीमों की तरफ से जनरेट हो रही है। SOS एलाइट्स वहाँ से मूव करते हुए तेजी में, इताची यहाँ पे नॉक है, फ्रैगर रिवोल्टर और SOS एलाइट्स वहाँ पे, फ्रैगर रिवोल्टर को नॉक किया था, SOS हेडसुनी यहाँ पे नॉक, लाइव स्ट्रीम चैट में मिस कम्युनिकेशन फैलाते हुए यहाँ पे कुछ लोग, हम हमेशा ही जो टीमें फर्स्ट और सेकंड पे रहती हैं उनकी बताते हैं, चाहे वो टीम असुर हो या कोई सी भी टीम हो, फर्स्ट और सेकंड टीम का हमेशा ही बताते हैं। यहाँ पे फ्रैगर ऑफिशियल के प्लेयर्स से फायर करते हुए, बाकी अपने अपने समझने का तरीका है, कुछ लोग उसको नंबर वन नंबर टू की तरह देखते हैं और कुछ लोग उसको मिसइंटरप्रेट करते हैं और अपने परसेप्शन के हिसाब से समझते हैं, बाकी हमारी तरफ से सब कुछ फेयर और कहीं भी किसी भी चीज़ में कहीं से भी पार्शलिटी नहीं, बिल्कुल ही इक्वली ट्रीट किया जाता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है उनको हम हमेशा ही बताते हैं। आपकी इच्छा शैडो गेमिंग को मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पर चार टीमें और सात प्लेयर्स रह गए हैं मात्र, यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अगर वो जीत नहीं पाते हैं तो दूसरे को ब्लेम देते हैं, ये काम आप कर सकते हो। यहाँ पे लाइव स्ट्रीम चैट में ही दूसरे व्यूअर्स से जवाब देते हुए मुझे जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी टीम्स और प्लेयर्स भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि कितना ज़्यादा फेयर और सब कुछ अच्छे से कराया जा रहा है यहाँ पे हमारी तरफ से, लेकिन फिर भी कुछ प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म जब नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे SOS लाइट भी वाइप हो गई है, तो थोड़ी बहुत जलन के कारण यहाँ पे कुछ तो भी कमेंट्स करते हैं। लाइव स्ट्रीम में डिले है शायद, इतनी सी बात भी नहीं पता, एक्सपेक्ट करके हम क्या बताएंगे, लाइव स्ट्रीम में मैक्सिमम डिले है, अगर इतनी सी भी बात अगर आपको नहीं पता है तो फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम का नॉलेज बढ़ाएं,
हर स्ट्रीम में भी बताया जाता है, डिले है, तो अगर कोई टीम बैठ के लाइव भी देखे तो वो नहीं समझ सकती कि किसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो चीटिंग तो यहाँ पे किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सोचें जैसा आपका परसेप्शन है आपको वैसी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पूरी तरीके से वाइप कर दी गई है, जी हाँ, अगर आप जीत नहीं पाएंगे तो ऐसी बातें ही करेंगे। हमारी तरफ से पूरा फेयर गेम प्ले, ये हमारे बाकी टीमों और व्यूअर्स को अच्छी तरीके से पता, बाकी जिसको अपने मन से जो सोचना है वो सोच सकता है, सब अपने अपने सोचने के लिए फ्री। यहाँ पे अकेले फ्लैगर ऑफिशियल से एक प्लेयर रह गए हैं और टीम बैडर्स से दो प्लेयर्स मौजूद। वैसे भी अगर कोई ग्रो करता है तो हेटर्स बढ़ते ही हैं, और वी वेलकम हेटर्स ऑल्सो। हम यहाँ पे बिना किसी एंट्री फीस के, हमारी मैनेजमेंट लगातार मेहनत कर रही है। अगर ऐसे कोई भी अगर ब्लेम करता है तो हमारे व्यूअर्स ही उसका जवाब देंगे, हमें जवाब देने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। लगातार यहाँ पे दोनों तरफ से थ्रोएबल्स का यूज़ हुआ रहा हो रहा है, टीम बैडस और टीम फ्रैगर ऑफिशियल की तरफ से भी। यहाँ पे फायर करते हुए फ्रैगर ऑफिशियल से ब्लू जोन यहाँ पे आता हुआ, रेट ऑफ हेल्थ डैमेज काफ़ी ज़्यादा, फ्रैगर ऑफिशियल के भी हेल्थ काफ़ी डाउन, अकेले प्लेयर है वहाँ पर फ्रैगर ऑफिशियल से मौजूद। टीम बैडस आगे बढ़ती हुई स्मोक के अंदर वहाँ पर मौजूद, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पूरी तरीके से वाइप कर दिए गए हैं। शानदार गेम प्ले देखने मिला सारी टीमों की तरफ से, लेकिन यहाँ पे बने रही है टीम बैडा 10-5-15, 3-18 किल्स के साथ। दूसरे नंबर पे यहाँ पे फ्रैगर ऑफिशियल 6-3-9-1-10-2-12 किल्स के साथ, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे टीम ब्रातवा 3 किल्स के साथ रही है। काफ़ी शानदार गेम प्ले देखने मिला सारी टीमों की तरफ से यहाँ पे, तो वेल प्लेड गाइस। अभी थोड़ी देर में इस वीडियो की जो लिंक है हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पबजी लवर से प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको देखें, गेम प्ले चेक करें और मिस्टेक्स मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं और जो भी हमें कॉपरेट कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, और जो हेटर्स हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही हेट करते रहें और व्यूअर सपोर्ट करते रहें। हेटर्स और सपोर्टर्स दोनों ही ज़रूरी होते हैं यहाँ पे ग्रोथ के लिए। हमारी जो लाइव स्ट्रीम है, हमारी जो लीग है, उसका बस एक ही मोटिव है कि जिससे भी कोई एंट्री फीस नहीं ली गई है पहली बात तो, और पूरा फेयर गेम प्ले हमारी तरफ से कराया जा रहा है। अगर टीम असुर भी खेलती है तो वो भी अपने इम्प्रूवमेंट के लिए खेलती है, और किसी भी तरीके से कोई भी चीटिंग पॉसिबल नहीं, किसी के लिए भी नहीं, हमारी तरफ से पूरा फेयर गेम प्ले अश्योर्ड है। ये एक बार फिर से अगर किसी प्लेयर या किसी टीम के मन में डाउट है तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, लेकिन जैसा कि आपको पता है सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, वो फ्री हैं अपने सोचने और अपने बोलने के लिए, तो उनको कोई रोक नहीं सकता। सो थिंक व्हाट यू लाइक, से वाट यू लाइक, सो वी नीड बोथ हेटर्स एंड सपोर्टर्स। थैंक्स फॉर हेटिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, ऑल आर वेलकम, ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ माई हेटर्स, व्यूअर्स एंड एवरी वन। सो गाइज, नाउ वी आर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।